दुर्ग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 50 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विवाहित कन्याओं को 21,000 रुपए का चेक एवं गृहस्थ जीवन के लिए उपहार दिए गए। दुर्ग में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना दुर्ग ग्रामीण द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन दुर्ग के विवेकानंद सभागार में किया गया। इसमें गायत्री परिवार द्वारा मंत्रोपचार व विधि विधान से 50 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। साइड में पड़ जाएंगे, वहाँ भीड़ नहीं लगाएंगे और सभी से निवेदन कि सभी बैठ जाए, कोई खड़े नहीं रहेंगे। आगे होइए, आगे हो। चलो कुर्सी में बैठा नहीं, कुर्सी में मैडम लोग आ रहे हैं। एक सेकंड, इस दौरान मंडप स्थल पर बैठे सभी नव विवाहिता जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का साथ देने का वचन दिया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रभारी अनिता सिंह ने बताया कि सभी नव विवाहित कन्याओं को 21,000 रुपए का चेक और गृहस्थ जीवन हेतु सामग्री प्रदान की गई है। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। आज महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या का विवाह बाल विकास परियोजना दुर्ग शहरी के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वर वधु को शादी का जोड़ा दिया जा रहा है और साथ में उनको दैनिक उपयोग की सामग्री अलमीरा है और दैनिक उपयोग के लिए जो बर्तन है वो घड़ी, दोनों वर वधु को घड़ी दी जा रही है, बिछिया दिया जा रहा है और 21,000 रुपये के खाते में चेक के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। आज हमारे यहाँ पर कुल 50 जोड़ों का विवाह हो रहा है। उपहार भी दिया जा रहा है क्या? जी हाँ, चांदी का बिछिया दिया जा रहा है, मंगलसूत्र भी दिया जा रहा है और वर वधु को घड़ी भी दिया जा रहा है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।